हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। फेस तो इंडक्शन चूल्हे पे कॉलगेट क्यों डालना है, डालते ही क्या होगा? तो चलिए फेस, आज जो टिप्स लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल है, हैक्स बहुत ही कमाल का है। फेस आप गैस चूल्हे बचाने के लिए इंडक्शन चूल्हा को यूज करते हैं। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं फेस की इंडक्शन चूल्हा से हम मनी सेविंग कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पहले तो हम देखेंगे फेस की कॉलगेट को इसमें यूज क्यों करना जरूरी है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें फेस। तो चलिए देख लेते हैं। इंडक्शन चूल्हा सभी लोग यूज करते हैं ये, और सभी कोई खाना भी बनाते हैं फेस। इसको हम साफ सफाई का भी ध्यान इसमें रखना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसको कितनों भी आप साफ कर लेते हैं ना, ये क्लीन नहीं होता है जल्दी। इसका तेल का चिपचिपापन या फिर दूध का दाग, ये सब जो है ना सब्जी का, इसमें बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा लेना है वाइट कॉलगेट लेना है और एक स्क्रब लेना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, स्क्रब आपको लेना है ना, तो फिर आप जो है जोर से इस पे मत घिसना, हल्के हल्के हाथ से ही थोड़ा सा पानी देकर हमें इसे क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। तो हमें इंडक्शन को ध्यान देना पड़ता है, और इसमें जानते हैं कि पानी नहीं जाना चाहिए। हमें सूखे कपड़े लेना है, थोड़ा सा भिंगा कर और इस तरीके से क्लीन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये हमारा क्लीन हो गया है। अब हम इससे बचत किस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। और हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स आप जरूर बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो ये क्लीन हो गया है, देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है ना, और लाइट भी आ गया है फ्रेंड्स। और आप कितनों भी इसे सर्फ या फिर साबुन से साफ करते हो ना, तो फिर सही से साफ नहीं होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम खाना इंडक्शन चूल्हा पर बनाते हैं तो फ्रेंड्स एक दिक्कत आता ही है, इस पे सारे बर्तन नहीं चढ़ते हैं। जानते हैं कि इंडक्शन चूल्हा पे सारा बर्तन आप नहीं चढ़ा पाते हैं, क्योंकि उसका लोड ले ही नहीं पाता है। आज जो हम हैक लेकर आए हैं फ्रेंड्स, आप सारे बर्तन को इंडक्शन पे चढ़ा सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अब ये नॉन स्टील कढ़ाई है फ्रेंड्स, तो ये तो हम इंडक्शन चूल्हा के लिए ही खरीदते हैं, और इसमें खाना बहुत ही अच्छा से बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि इंडक्शन चूल्हा का जो बर्तन है वो बहुत ही महंगा मिलता है। अब ये नॉन स्टील कढ़ाई जो है बहुत महंगा है और सभी के घर में नहीं होता है। इंडक्शन चूल्हा तो सभी ले लेते हैं कि हमारे गैस की बचत होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब इसमें एक ही दिक्कत आता है कि आप और फ्रेंड्स ये जो कढ़ाई है इंडक्शन नहीं लोड लेता है, और इसमें हम खाना भी नहीं बना पाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आज जो हम हैक्स लेकर आए हैं, हम सारे बर्तन को किस तरीके से इंडक्शन पर चढ़ाएंगे, तो चलिए आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स। देखिए पहले तो हम आपको प्रूफ दे लेते हैं कि ये जो कढ़ाई है ना, इसको हम चढ़ाए हैं पर ये लोड नहीं ले रहा है। इस तरीके की कढ़ाई जो है लोड नहीं लेता है, क्योंकि इस पे नॉन स्टील ही चढ़ता है या फिर स्टील का ही चढ़ता है। स्टील का बर्तन हम चढ़ाते हैं तो वो पतले होने की वजह से उसमें खाना सही से नहीं बनता है, और वो जलना स्टार्ट हो जाता है। अब इस तरीके से हम कभी कभी छोटे घर में बच्चे होते हैं तो अब वो दूध के लिए हमें जरूरत होता है गर्म करना, तो फ्रेंड्स छोटे बर्तन भी नहीं लोड लेता है, क्योंकि ये जो है ना इसका जितना बड़ा है ये, मतलब छोटा से आप डाल देते हो इसमें तो कोई भी लोड नहीं लेता है, लाइन इसके आता ही नहीं है। अब ये कुकर है फ्रेंड्स, तो ये नॉन स्टील कुकर है, तो ये हम चढ़ाएंगे तो इसका भी लोड लेगा, इसमें भी लाइन आएगा और इसमें भी खाना बनता ही है। तो मेरे पास इस तरीके के बर्तन है तो हम तो इसमें खाना बना लेते हैं, और जिनके पास नहीं है वो किस तरीके से बनाएंगे, तो फिर चलिए यही तो हम हैक्स लेकर आए हैं फ्रेंड्स कि आप इंडक्शन चूल्हे पे सारे बर्तन को किस तरीके से चढ़ा सकते हैं। तो अभी तो आप देख लिए फ्रेंड्स कि हम नॉन स्टील बर्तन भी चढ़ाए हैं, छोटे बर्तन भी चढ़ाए हैं, अल्मोनियम का बर्तन भी चढ़ाए हैं।
अब ये सब तो लोड नहीं ले रहा है फ्रिज, और ये देखिए नोरिस्टिन का भी लोड ले रहा है, तो ये इस पर लोड लेता ही है। और आज हम जो लाए हैं फ्रिज, देखिए अब ये जो कुकर है ये कुकर भी लोड नहीं लेगा, क्योंकि ये अल्मोनियम का कुकर है और ये इंडक्शन पे नहीं आता है, तो सारा इंडक्शन चूल्हा पे नहीं सारा बर्तन चढ़ता है फ्रिज, तो इस जिस पे नहीं चढ़ता है उस पे हम किस तरीके से चढ़ाएं और खाना बनाएं। तो देखिए हम यहाँ पे ये कढ़ाई चढ़ाए हैं और इसमें हम चढ़ाकर पानी भी डाल दिए हैं। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ लोड भी ले रहा है, ये लाइन भी इसमें जा रहा है और मेरा पानी भी गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना कमाल का ये हैक्स है ना, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है और हमारा काम जो है आसान हो जाता है और हम मनी सेविंग टिप्स कर सकते हैं। अब हमें सोचते हैं कि हमें नॉन स्टील ही बर्तन खरीदना है तभी जाकर हम खाना बनाएंगे, तो फ्रेंड्स बहुत ही महंगी मिलती है और खर्चा भी बहुत हो जाता है बर्तन खरीदने में। तो देखिए हम सारे चीज जो चीज पे नहीं लोड ले रहा था वो सारा चीज हम इस पे चढ़ाकर आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे से ये लोडिंग ले रहा है और पानी भी मेरा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से छोटे बर्तन भी चढ़ा सकते हैं, जो बर्तन आपका लोड नहीं ले रहा है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो वो किस तरीके से फ्रेंड्स देखते हैं। तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्या है, ये आप जो देख रहे हैं ये जाली है, ये है ना जो कि खिड़की में जाली सेट करते हैं वही जाली है। ये मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है, आपका घर में है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर मार्केट से आप ले आएंगे ना और इसको सीधा कर देंगे अच्छा से, और ये इंडक्शन पर रख कर कोई सा भी बर्तन आप इस पे चढ़ा सकते हैं, तो आराम से चाय पानी गर्म ये सब बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही है कि आप ये जाली ले आते हैं ना आपको नॉन स्टील बर्तन लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही आराम से आप नॉन स्टील